और बहुत सारी सब्जियों से भरा हुआ सब्बे हो गया है हमारा तैयार। आप यह देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो फटाफट इस रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालिनी, स्वागत है आपका शालिनी किचन में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बच्चे हो या बड़े सबको खाना पसंद होता है। आप अपने घर में इस रेसिपी को बनाकर जंक फूड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? सोचिए सोचिए, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप बता सकते हैं। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ सब्बे। जो सब्बे है इसकी बहुत बड़ी चेन है और ये जो चेन है ये बड़े बड़े शहरों में पाई जाती है। उसमें ये क्या करते हैं कि बड़ी सी ब्रेड में बहुत सारी वेजिटेबल्स और काफ़ी सारे सॉस का यूज़ करके उसको बनाते हैं। तो आज मैं आपको वही सब्बे घर में बनाना बताऊंगी। ये जो सब्बे है ये मार्केट में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, तो इसको आप घर में बनाएं तो घर में ये सस्ता पड़ता है। और सबसे अच्छी बात कि घर में अगर आप इसको बनाएंगे तो बहुत सारी वेजिटेबल्स होंगी, बहुत सारे सॉस होंगे और बच्चे इसको बहुत चाव से खाएंगे। ये जो सब्बे होता है ये काफ़ी सारे फ्लेवर में मिलता है, तो आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ पनीर सब्बे। पनीर सब्बे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है हम देख लेते हैं। तो पनीर सब्बे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये इंग्रेडिएंट्स को रख लिया है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पर लिया है ये थोड़ा सा पनीर, और पनीर में लगभग एक चुटकी नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर नमक डालने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि जो हम सॉस यूज़ करते हैं उनमें ऑलरेडी नमक होता है। तो नमक सिर्फ मैंने पनीर में डाला है, वो भी एक चुटकी। और मैंने लिए यहाँ पर थोड़ी सी लेटस। लेटस को मैंने ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और लेटस आपको मार्केट में बहुत आसानी से ये मिल जाएगी। मैंने लिए यहाँ पर ये थोड़े से ब्लैक ऑलिव। ऑलिव दो तरीके के आते हैं, ग्रीन और ब्लैक। तो आप सब्बे बनाने के लिए ब्लैक ऑलिव का ही यूज़ करें, और ये जो ऑलिव है ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये जो ऑलिव है ये इस तरीके की बोतल में आते हैं और ये बहुत आसानी से ये मिल जाता है। और मैंने यहाँ पर ये लिए हैं थोड़े से जलेपिनो। ये खट्टे होते हैं और थोड़े से चटपटे होते हैं, और इसी तरीके से इस बोतल में आता है ये जलेपिनो, और ये जलेपिनो आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। मैंने लिया है यहाँ पर थोड़ा सा खीरा और खीरे को गोल गोल काट लिया है, और लिया है थोड़ा सा टमाटर। टमाटर को मैंने गोल गोल काटा है, और लिए मैंने थोड़ी सी प्याज। प्याज को मैंने पहले गोल काटा, फिर उसके लंबे लंबे इस तरीके के पतले पतले टुकड़े कर लिए। सब्बे बनाने के लिए लिए है इस तरीके की ये ब्रेड, और ये जो ब्रेड है ये आपको बेकरी की शॉप पे या फिर किसी भी कन्फेक्शनरी की शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ पर है हमारे पास चीज़ की दो स्लाइसेस, और चीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा चीज़ ऐड कर सकते हैं, और अगर कम पसंद हो तो आप चीज़ को कम कर सकते हैं। सब्बे बनाने के लिए सॉस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो मैं मार्केट गई। मार्केट में मैंने देखा कि जो सॉस हैं वो एक कंपनी के नहीं मिलते हैं, पर मैंने ज़्यादा सर्च किया तो वहाँ पर मैंने देखा कि वीवा कंपनी है, उस कंपनी के सारे सॉस मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो वीवा कंपनी के मैंने यहाँ पर 6 फ्लेवर के सॉस लिए हैं, और वीवा कंपनी लगभग 10 से 11 फ्लेवर की सॉस बनाती है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि वो जो 6 फ्लेवर के सॉस हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये लिया है ऑलिव ऑयल मेयोनीज सॉस, और ये है बारबेक्यू सॉस, ये है स्वीट चिली सॉस, ये है साउथ बेस्ट सॉस, ये स्वीट ऑनियन सॉस, और ये है हनी मस्टर्ड सॉस। सब्बे बनाने के लिए अगर आप इतने सारे सॉस का यूज़ नहीं करना चाहते हैं या फिर नहीं ख़रीदना चाहते हैं, तो आप सिर्फ ये जो दो सॉस है, ये मेयोनीज़ है और ये बारबेक्यू है, इनका यूज़ करके सब्बे बना सकते हैं। और चिली के लिए आप क्या करें कि जो घर में रेड चिली पाउडर होता है उसको डाल के आप सब्बे बना सकते हैं। सब्बे बनाने के लिए मेन होते हैं इंग्रेडिएंट, और अगर आपके पास इंग्रेडिएंट अवेलेबल हैं तो आप फटाफट सब्बे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को हम शुरू करते हैं। मेरे पास ये सब्बे बनाने के लिए बड़े साइज़ की ब्रेड है, तो मैं इसको हाफ कट करूंगी, और अगर आपको छोटे साइज़ की ब्रेड मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो आप छोटे साइज़ की ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम नाइफ की सहायता से हाफ़ कर लेंगे और हाफ को हम साइड में रख देंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर ब्रेड के दो हिस्से करना है, ब्रेड को हमें बीच से कट करना है, तो चाकू की सहायता से ब्रेड को हम बीच से कट कर लेंगे। इसके हिस्से हमें इस तरीके से करना है कि जुड़ा रहे, मतलब इसको पूरा कट नहीं करना है, इसको हमें जुड़ा ही रखना है। इस तरीके से नेक्स्ट प्रोसेस में अब हम क्या करेंगे कि ब्रेड के ऊपर चीज़ रखेंगे, तो चीज़ के दो टुकड़े करके हम ब्रेड के ऊपर रख देंगे।
आप चाहे तो ज़्यादा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर चीज़ को मेल्ट करना है, तो माइक्रोवेव में हम 30 सेकंड के लिए चीज़ को मेल्ट होने के लिए रख देते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव ना हो तो आप इसको बिना मेल्ट करे भी बना सकते हैं। तो चीज़ यहाँ पर हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पनीर। और पनीर के ऊपर डालेंगे हम लेटस। अब डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा टमाटर। और डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा खीरा और थोड़ी सी प्याज और थोड़े से ऑलिव्स। और अब हम डालेंगे थोड़े से जलेपिनो। अब डालेंगे हम थोड़ा सा स्वीट चिली सॉस। सॉस जो है हमें थोड़े थोड़े ही डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने हैं। और ये गया थोड़ा सा स्वीट ऑनियन सॉस और ये गया बारबेक्यू सॉस और ये गया थोड़ा सा हनी मस्टर्ड सॉस। अब डालेंगे हम साउथ बेस्ट सॉस और लास्ट है हमारा मेयोनीज़, जो कि हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि मेयोनीज़ से इसका टेस्ट एकदम बढ़िया आ जाता है, तो मेयोनीज़ की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये बहुत सारी मेयोनीज़ डाल दी है। तो ये सब भी हमारा खाने के लिए हो रहा है रेडी। इसको करेंगे हम बंद और बंद करने के बाद इसको हम ऐसे ही सर्व करेंगे। तो इसको फटाफट आप खा लीजिए क्योंकि ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और देखने में भी बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो ये हो गया है हमारा पनीर सब्बे तैयार। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये सब्बे की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहिए आप मेरे साथ। मैं ऐसे ही नई नई रेसिपी लाती रहूँगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।